हेलो दोस्तों, नए दिन नई शुरुआत। तो आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फर्स्ट एड के बारे में, और मैं आपको बताऊंगा कि एक फर्स्ट एड किट में क्या होना चाहिए। फर्स्ट एड किट की हमें ज़रूरत क्यों है, पहले ये जानते हैं। कई बार सिचुएशन ऐसी होती है कि हमको इमरजेंसी में कुछ दिख जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, रोड में ही किसी का एक्सीडेंट हो गया, किसी डॉग का या किसी कोई भी एनिमल का, इनफैक्ट किसी इंसान का भी हुआ, तो हमारे पास एक किट होना चाहिए जो हम कुछ बेसिक कर पाए। हम उतना ज़्यादा तो उसका इलाज कर नहीं पाएंगे, लेकिन जो बेसिक ट्रीटमेंट है वो हम कर पाए, जिसमें मदद करता है हमारा फर्स्ट एड किट। तो चलिए जानते हैं कि एक फर्स्ट एड किट में एक्चुअली होना क्या चाहिए। तो सबसे पहली चीज एक फर्स्ट एड किट में होनी चाहिए वो है ग्लव्स, हाइजीन। कई बार क्या होता है कि कोई डॉग होता है, उसको मेंज वगैरह हो या कुछ कंटेजियस बीमारी हो, तो हमको ग्लव्स बहुत ज़रूरी है ताकि बीमारी फैले ना। दूसरी चीज बीटाडीन सॉल्यूशन। क्यों? वुंड को हमको साफ करने के लिए बीटाडीन की ज़रूरत पड़ती है। स्प्रे कीजिए बीटाडीन को और एक कॉटन से अच्छे से वाइप कर दीजिए, तो जितने भी गंदगी और कीटाणु हैं सब चले जाएंगे। तीसरी चीज, ऑब्वियस सी बात है, कॉटन। कॉटन तो बहुत सारी चीज़ों में यूज़ होती है, वुंड को साफ करने के लिए, पैड बनाने के लिए, तो कॉटन इज मस्ट, कॉटन होना ही चाहिए। चौथी चीज जो अपन को चाहिए वो है बीटाडीन का ऑइंटमेंट। वुंड क्लीन हो गया भाई, हील करने के लिए भी तो कुछ चाहिए, तो एक क्रीम उस पर लगाइए, बहुत सस्ती। और मैं जितने भी चीज़ें बता रहा हूँ इसमें जो है सब बहुत सस्ते में बन जाती है, तो ये आप अपने घर में भी बना सकते हैं। और एक और चीज़ मैं आपको वीडियो के लास्ट में भी बताऊंगा जो आपके फ़ायदे की है, तो बिल्कुल वीडियो को लास्ट तक देखें ना। तो बीटाडीन का ऑइंटमेंट, वुंड क्लीन हो गया उसके ऊपर लगाइए, हीलिंग में मदद करता है ये। नेक्स्ट थिंग इज पेरोक्साइड। मैं पर्सनली ट्राई करता हूँ कि मैं डायरेक्ट वुंड में ना डालूँ पेरोक्साइड, क्योंकि ये जलता है। आप वुंड के आजू बाजू जो गंदगी है उसमें ऐसे पेरोक्साइड डाले और उससे फिर एक झाग नुमा चीज़ निकलेगी, उससे उसको आप कॉटन से क्लीन कर दीजिए, आपका वुंड चकाचक साफ। तो पेरोक्साइड, गॉज, इसको शायद कॉटन बैंडेज भी बोलते हैं। इसका यूज़ ये होता है कि जैसे वुंड है तो हम उसको खुला नहीं छोड़ सकते, इन्फेक्शन का डर, मैगेट्स का डर। मैगेट्स एक्चुअली होते हैं, मक्खियाँ बैठती है वुंड पे, अंडे देती है, कीड़े हो जाते हैं, कीड़े खाना चालू कर देते हैं फ्लैश और ब्लड को, तो इससे हम क्लोज कर सकते हैं उस वुंड को, जिससे मक्खियाँ ना बैठे और हमारा जो घाव है वो भी सुरक्षित रहे, और उसको अपन फिर जो रेगुलर ड्रेसिंग है वो अपन करते रहेंगे। नेक्स्ट थिंग इज हीमैक्स। हीमैक्स की ज़रूरत हमको इसलिए पड़ती है, बीटाडीन हम लगाते हैं, कई बार डॉग्स चाट देते हैं उसको, साफ कर देते हैं, तो हीमैक्स का थोड़ा स्वाद खराब होता है, स्मेल आती है, तो डॉग इसको चाट के फिर अपना मुंह बना के छोड़ देते हैं, पूरा नहीं ख़त्म कर सकते इसको। मक्खियाँ नहीं बैठती इसके कारण, और इसमें अलग लिखा है कीटाणुनाशक, और ये हीलर भी है, तो हीमैक्स भी बहुत अच्छा है। क्या कर सकते हैं आप, वुंड क्लीन किए बीटाडीन लगाए, पट्टी लगाए, कॉटन टेप लगाए, हीमैक्स लगा दीजिए, आपका जो वुंड पैक है वो पैक का पैक ही रहेगा अगले दिन तक। पेपर टेप का अपन यूज ये है कि जैसे ही पैक हुआ अपना वुंड, ड्रेसिंग हो चुकी, तो उस कॉटन बैंडेज या गॉज पे आप पेपर टेप अच्छे से मार दीजिए, फिर उस पर हीमैक्स लगा दीजिए, तो फिर डॉग उसको फाड़ेगा नहीं, जो गॉज रहेगा उसको, आपका जो घाव है वो एक दिन तक सेफ रहेगा, बिना निकले, बिना फटे। तो पेपर टेप, और क्या है, कैची। कैची तो आपको पता है किस काम आती है, टेप फाड़ने के लिए, पट्टी फाड़ने के लिए, कैची का यूज़ सबको पता है। और क्या है, डी मैग, अमृत।
क्या होता है, कई बार डॉग्स में वुंड हो जाते हैं, डॉग्स या कोई भी जानवर में वुंड हो जाते हैं, मक्खियाँ बैठती है, डॉग उसको साफ नहीं कर पाते। इंसानों में क्या होता है, हम अपने हाथ से रेगुलर ड्रेसिंग कर लेते तो साफ रहती है, लेकिन स्ट्रे डॉग्स या स्ट्रे एनिमल्स का ये होता है वो नहीं कर पाते। मक्खियाँ बैठती है, अंडे देती है, कीड़े हो जाते हैं, मैगेट्स हो जाते हैं, खाना चालू कर देते हैं, तो आप तुरंत में उस पर डीमैक्स, हाथ पैर या पूँछ वगैरह में डीमैक्स डाल सकते हैं। कोशिश करें मुंह वाले रीजन से इसको दूर रखें, आंख वगैरह से दूर रखें, और डीमैक डालने के बाद वो मैगेट्स मर जाएंगे, तो उसके बाद आप तुरंत उसको वेट विजिट कराएं, जिससे आगे का जो प्रोसीजर है वो डॉक्टर खुद करे। तो बस यही चीज़ें थी हमारे फर्स्ट एड किट में। तो ये चीज़ें, ये किट आप अपने घर पे बना सकते हैं, और ये बहुत, और ये केवल जानवरों के ही काम नहीं आएगा, ये इंसानों के भी काम आते हैं। कई चीज़ें इंसानों की है, ये डीमैग नहीं। फॉर एग्जाम्पल, बीटाडीन ऑइंटमेंट, लिक्विड कॉटन, सीजर, पेपर टेप, गौज, ये सब इंसानों में भी यूज़ हो सकते हैं, तो इसको आप घर पे बना के रखें, इमरजेंसी में इंसानों के भी काम आएगा। एक चीज़ और, मल्टीविटामिन्स। तो इसी के साथ यही सब चीज़ें थी हमारे फर्स्ट एड किट में। तो ये सब चीज़ें आप अपने घर पे भी बना सकते हैं, लेकिन आपके लिए एक बहुत ही अच्छी खुशखबरी है, एक फर्स्ट एड किट हम दे रहे हैं गिव अवे। तो उसकी सारी जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप देखिए, उसको फॉलो कीजिए। अगर आप लकी हुए तो आपको एक फर्स्ट एड किट फ्री में मिलेगा, तो क्या दिक्कत क्या है। फॉलो कीजिए जो भी नीचे इंस्ट्रक्शन है, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हो सकता है किसी के काम आ जाए ये वीडियो। अगर आपको कुछ पूछनी है चीज़ें, या मैं कोई चीज़ें मेरे से छूट गई, या आप मुझे कुछ सजेशन देना चाहते हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए। सब्सक्राइब बिल्कुल कीजिए, सब्सक्राइब और घंटी बजाइए, क्योंकि देखिए, अगली वीडियो अगर मैं डालूंगा और आपको पता ही नहीं चलेगा तो क्या फ़ायदा। तो सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए, इसी के साथ हमारा आज का ये वीडियो होता है समाप्त। अगर आपको फर्स्ट एड किट फ्री में चाहिए तो नीचे इंस्ट्रक्शन को फॉलो कीजिए। तो चलिए, बाय।